देश विदेश में ईद का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बारिश के बीच लोगों ने ईद मनाई। मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समाज के नेता रईस समय शकील ने बताया कि 30 दिन के रोजे के बाद ईद मनाई गई। ईदगाह में 10,000 मुस्लिम भाई नमाज अदा किए। बरसात के कारण राजनांदगांव के 6 मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई। नमाज के बाद हम कब्रिस्तान गए थे और अपने पूर्वजों को ईद की बधाई दी। राजनांदगांव से निमेश अग्रवाल की रिपोर्ट। हमने पूरी तैयारी ईदगाह में किए थे। ईदगाह में कम से कम 8 से 10 हज़ार मुस्लिम वहाँ नमाज अदा करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ ना हो पाई तो सभी मस्जिद में, यहाँ 6 मस्जिद है पूरे शहर में, 26 मस्जिदों में पूरे मुसलमान लोग जा करके ईद की नमाज अदा किए। छोटे छोटे बच्चे नए नए कपड़ा पहन करके आए थे। और इस रमज़ान के महीने में, जो एक महीने का रमज़ान का महीना होता है, वो हमारे लिए मगफरत का महीना होता है। उसमें हम लोग सब इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं और इसी तरह से ज़ियारत करते हैं। वो जो इबादत की जो हमारी मेहनत होती उसका इनाम ईद होता है। आज हमारे लिए खुशी का दिन था। आज परवरदिगार हमारी जो इस इबादत को है, उस इबादत के उसमें हमको आज इनाम दिया जाता है। तो उसी उपलक्ष में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और आज सुबह हमारी ईद की नमाज हो गई है। ईद की नमाज के बाद हम लोग कब्रिस्तान गए थे। कब्रिस्तान के बाद सब घर में जा रहे हैं, सब मिठाइयाँ बटी है, सेवाइयाँ बनी हुई है, तो घर के खा करके खुशियाँ मना रहे हैं।